हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप कल देखे हैं कि मैं गया हूँ, मेरा 1000 रुपये का बिक्री हुआ था। तो आज मैं दूसरे गांव आया हूँ, तो देखता हूँ यहाँ पर मेरा कितना बिक्री होता है। और तैयारी होकर के आ गया हूँ, अब यहाँ पे आया हूँ, देखता हूँ मेरा बोनी होता है। कल तो मेरा 1000 का बिक्री हुआ था, 200 रुपये ही कमाया था। और आज देखता हूँ कितना कमाई होता है मेरा इस गाँव में, देखता हूँ बोनी वोनी होती है कि नहीं होती है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। मैं लेके आया हूँ सूती साया, 150 रुपये के दो, एकदम मस्त प्योर कॉटन। ले लो चाची, सूती साया 150 के दो ही। पैसा ना उधार लो, गजरन के भा लो, मौका मिले चुरा लो, लेकिन 150 रुपये के दो ही लो सूती साया। चाची आओ ले लो, ले लो। हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं भाइयों, मैं इस गांव से निकल चुका हूं, मेरा एक लोअर और दो साया बिका हुआ है। अब मैं जा रहा हूं दूसरे गांव। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं दूसरे गांव आ चुका हूं बेचने के लिए। और यहां पे सब लोग देख रहे हैं, कोई इधर लोग देख रहे हैं। अब देखते हैं बिक्री होता है कि नहीं होता है। तो जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट गाँव पर आ चुका हूँ। अब यहाँ पर सारे कस्टमर लोग हैं और देख रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पर मेरी कितनी बिक्री होती है। आप लोग का आशीर्वाद बना रहे बस। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर जरूर करिएगा वीडियो का, देखिएगा मैं कैसे बिक्री करता हूँ। आज मेरा दूसरा दिन है। तो भाइयों, मैं आज इस गांव पहुँचा हूँ, यहाँ पे सब लोग ले रहे हैं, लेकिन बेचारे बहुत गरीब आदमी कह रहे हैं कि बहुत कम कम पैसे लगाओ। चाचा भी है लोअर लेने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ले नहीं रहे, पैसा नहीं है इस समय, सबके पास गरीबी चल रही है इस समय। ये दीदी हमको बहुत चिल्लाया करती है, ये वाली दीदी लेती होती नहीं है, बहुत बड़े इनके पास चक्कियों की सब है, कारखानों में सब चल रहा है। गाय देव कितनी खुश पड़ी है। तो दोस्तों, मैं आज कम से कम 6-7 गांव गया हूँ, मेरा बिक्री हुआ है 1300-1400 रुपये की बिक्री हुआ है। तो काम वाम इस समय बहुत डाउन चल रहा है, इसलिए चल रहा है क्योंकि धान का सीजन चल रहा है, सब लड़कियाँ लोग हैं, औरतें लोग हैं, सब धान लगाना चली जाती हैं, तो इसलिए बिक्री कम हो रहा है, कोई कस्टमर गाँव पर मिल नहीं रहा है। तो अब मैं घर जा रहा हूँ।